हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी फायर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टर्न है वह जियोग्राफी का है, और जियोग्राफी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह के बारे में कि भारत के आखिरकार कितने महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं और कहां कहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे, ये बात है 1854 की। 1854 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना होती है, और उसी के साथ भारत में जहाज रानी की शुरुआत होती है। जहाज रानी का मतलब होता है पानी वाली जहाज़ों का व्यापार जो है चालू होता है। वैसे तो आप पढ़ेंगे तो बहुत पुराने ज़माने से 1498 में ही यूरोप से आ गया जो है वास्को डी गामा, आप देखेंगे तो 1498 में ही आ गया था, लेकिन वो नाव के थ्रू आया था। तो इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि 1854 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना होती है, और उसी के साथ भारत में जहाज रानी परिवहन की शुरुआत होती है। ये पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि बंदरगाह के आखिरकार प्रकार कितने होते हैं। तो आपने सुना होगा प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह, ठीक है, जिसको हम कृत्रिम को मानव मेड बंदरगाह कहते हैं, यानी मानव के द्वारा निर्मित बंदरगाह। अब इसका क्या मतलब है प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह का? देखिए, बंदरगाह के लिए यानी कोई बंदरगाह जब हम बनाते हैं तो उसके लिए जो सुविधाएं चाहिए, जैसी व्यवस्था चाहिए, अगर वैसी व्यवस्था पहले से उपलब्ध है किसके द्वारा? प्राकृतिक के द्वारा, तो हम कह देते हैं कि वह प्राकृतिक बंदरगाह है। और अगर उपलब्ध नहीं है वैसी व्यवस्था, जैसा स्थिति चाहिए बंदरगाह बनाने के लिए, अगर मानव द्वारा उसको निर्मित किया जा रहा है यानी वैसी परिस्थितियां बनाई जा रही हैं, तो उसे हम कृत्रिम बंदरगाह कह देते हैं। अब इसका क्या मतलब है, थोड़ा इसको हम एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए, आप जानते हैं कि समुद्री लहरें चलती हैं, जब समुद्री लहरें चलेंगी तो अगर वह समुद्री लहरें डायरेक्ट आकर के नाव से टकराएंगी तो फिर उस जहाज यानी जो पानी वाली जहाज है अगर उससे टकराएंगी तो उसके लिए दिक्कत हो सकता है, जहाजें डूब सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए होता क्या है कि आप देखेंगे जनरली तो गोल टाइप में यानी सर्कल टाइप में आप देखेंगे बंदरगाह का, जब आप सर्च करके देखेंगे तो बंदरगाह जो बने हैं बहुत सारे, वहां पे आप देखेंगे तो जो तट होता है, समुद्री तट होता है, उसके अंदर से ऐसे काट करके बंदरगाह जनरली बनाए जाते हैं, ताकि बाहर जो है जो कटा हुआ भाग उसका पोर्शन है वो क्या करेगा, जब अंदर होगा तो उधर की जो निकले रहेगा तट जो निकले रहेगा वो क्या करेगा, पानी को यानी समुद्री धारा को रोक लेगा, और जो अंदर बंदरगाह बना हुआ है वो जो है तहस नहस नहीं होगा। तो जनरली होता क्या है, आप देखेंगे जैसे विशाखापट्टनम है, तो विशाखापट्टनम बहुत गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। क्यों? क्योंकि वहां देखेंगे तो वहां पर एक फिर नोज नामक पहाड़ी है, वह क्या करती है कि तेज समुद्री हवाओं को जब आती है तो उससे सुरक्षित करती है किसको, इस बंदरगाह को जिसको हम कह रहे हैं कि विशाखापट्टनम बंदरगाह को। तो यही कारण है, अब देखिए वहां पे अगर नहीं ये द्वीप होता यानी ये पहाड़ी नहीं होती जिसकी मैं बात कर रहा हूं, डॉल्फिन नोज पहाड़ी नहीं होती, तो इस पहाड़ी के न होने की वजह से हमें कृत्रिम रूप से कोई ना कोई कंक्रीट का बांध बनाना पड़ता, कोई ऐसा बांध बना करके कि वो धाराएं जो समुद्री आ रही हैं वो डायरेक्ट हमारी नाव को, यानी हमारी नाव नहीं बल्कि हम उसको अब क्या कर रहे हैं, पानी वाली जहाज को जो है नुकसान न पहुंचाए। तो आप जब पहले से उपलब्ध हो जाए वैसी व्यवस्था यानी प्राकृतिक के द्वारा, तो उसे हम प्राकृतिक बंदरगाह कह दिए, और जब नहीं उपलब्ध है तो मानव के द्वारा उसे किसी तरह से काट छाट के बनाया जाता है, तो वो चीज़ें फिर हम कृत्रिम बंदरगाह कह देते हैं। अब आइए बात करते हैं कि भारत में जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं वह कौन कौन से बंदरगाह हैं और कैसे उसे पढ़ना है, आइए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो बंदरगाह आप देखेंगे तो जो भारत की तट रेखा है, ये तट रेखा समुद्री तट रेखा की बात मैं कर रहा हूँ, इधर से आप देखेंगे तो यह तट रेखा की टोटल लंबाई आप देखेंगे जो द्वीप वगैरह मिला के, चाहे इधर के द्वीप हैं चाहे इधर के द्वीप हैं, जिसको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, इधर आप आएंगे तो आप जानते हैं कि अरब सागर की तरफ अपना द्वीप है लक्षद्वीप जिसको कहते हैं, तो इनकी सबकी लंबाई मिला करके 7516 किलोमीटर टोटल होता है। और यह कुल जितने यानी ये तट रेखा की लंबाई है, इस तट रेखा पर जितने स्थित हैं टोटल बड़े बंदरगाह, वह कुल टोटल
13 बंदरगाह हैं। कितने? 13। तो आपसे पूछ सकता है कि भारत में महत्वपूर्ण बंदरगाह कितने हैं, जो बड़े बंदरगाह और महत्वपूर्ण हैं। तो आप कहेंगे बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13 है। और वैसे आप छोटे छोटे बंदरगाह देखेंगे तो करीबन 200 के करीब जो है छोटे छोटे बंदरगाह मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन बनता है, वह जो बड़े महत्वपूर्ण जो बंदरगाह हैं उन्हीं से क्वेश्चन बनता है, उन्हीं के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। 1, 2, 3 जो मिलेंगे छोटे बंदरगाह, उनके बारे में भी स्टडी किया जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं कि मैंने बता दिया 13 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह स्थित हैं। इसमें बड़े बंदरगाह सर्वाधिक किस राज्य में हैं? तो आप कहेंगे तमिलनाडु में हैं। कितने हैं? तो 3 हैं। और अगर छोटे बंदरगाह की बात करें सर्वाधिक कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। टोटल 48 यानी 48। समझ गए इस बात को? अब आइए आगे बात करते हैं एक एक बंदरगाह के। पहले मैं इसको एक बार बता रहा हूँ, फिर इनके बारे में एक्सप्लेन होगा। पहला याद रखना, गुजरात में स्थित कांडला बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। कहाँ? गुजरात में। ठीक है, और यह एक ज्वारी बंदरगाह। अभी मैं बताऊंगा ज्वारी का मतलब क्या है, ज्यादा आपको बोझ नहीं लेना। पहले सुन लीजिए कौन कौन से हैं। कांडला बंदरगाह देखिए, जिस पे मैं ऐसे यानी रेड से मैंने घेर रखा है, उसको आप समझ जाइए कि वो बड़े बड़े बंदरगाह मुख्य रूप से हैं, उन्हीं को हमको पढ़ना। पहला कांडला बंदरगाह, दूसरा मुंबई बंदरगाह, तीसरा नहावा सेवा बंदरगाह। अब इनका नाम भी मैं बताऊंगा कि दूसरा नाम क्या है। जैसे कांडला बंदरगाह का दूसरा नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है, उसी तरह नहावा सेवा की बात करेंगे तो इसका दूसरा नाम जेएल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ठीक है, अब आइए, तो मैंने बताया कांडला बंदरगाह, फिर मुंबई बंदरगाह जो कि मुंबई में स्थित है, नहावा सेवा, ये दोनों मुंबई में है, ये जो है कांडला जो है गुजरात में है। अब आ जाइए मार्मा गोवा, कहीं कहीं इसको मार्मू गाओ लिखा है, कहीं कहीं मार्मा गोवा लिखा है, तो आप दोनों याद रख सकते हैं, मार्मू गाओ या मार्मू गोवा। तो ये बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे ये बंदरगाह, देखिए ये छोटा सा राज्य है जो कि आप जानते हैं गोवा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है पर्यटन के दृष्टिकोण से। और आप देखेंगे तो गोवा जो है यहाँ की, अगर भारत में सभी राज्यों में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय भी गोवा की ही है। तो ये जो है मार्मू गोवा बंदरगाह गोवा में स्थित है। ठीक है, अभी इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, अभी बस इतना ही सुनिए। फिर आ जाइए न्यू मंगलोर की बात करते हैं। तो न्यू मंगलोर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में। ये जो कारवार बंदरगाह, इसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, बड़ा बड़ा जो 13 बंदरगाह है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। तो न्यू मंगलोर की बात करेंगे तो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी बताएंगे। फिर आ जाइए नीचे तो कोचीन बंदरगाह है। ठीक है, कोचीन बंदरगाह तो आप जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी, ये है केरल में स्थित। किस राज्य में? केरल में। अब आ जाइए ये 3 बंदरगाह दोस्तों एक ही राज्य में स्थित हैं, वो है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। कौन कौन सा है? तूतीकोरिन, फिर चेन्नई, फिर एन्योर। कौन कौन सा मैंने बोला आपसे? पहला तो तूतीकोरिन, फिर चेन्नई, फिर एन्योर। तूतीकोरिन, फिर चेन्नई, फिर एन्योर। इसको कई बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तीनों के तीनों कहाँ हैं? तमिलनाडु में। आगे आइए तो विशाखापत्तनम देख रहे हैं आप। विशाखापत्तनम ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। ये सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है, इसके और भी डिटेल है, इसलिए इसको अभी एक्सप्लेन में करूंगा। आपको ये याद रखना है कि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब आगे आइए तो आप देखेंगे पारादीप। पारादीप जो बंदरगाह है ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा राज्य में स्थित बंदरगाह कौन सा है? अगर पूछे एग्जाम में तो आप कहेंगे पारादीप। अभी पारादीप के बारे में थोड़ा से बात करेंगे। अब बात करते हैं हल्दिया। दोस्तों हल्दिया किस देखेंगे तो इसको एक ही गिना जाता है, कोलकाता हल्दिया को एक ही बंदरगाह काउंट किया जाता है। वैसे देखेंगे तो कोलकाता अलग है, हल्दिया अलग है। कोलकाता का सहायक बंदरगाह है हल्दिया, लेकिन जनरली इन दोनों बंदरगाहों को मिला के एक ही हम पढ़ते हैं, एक ही काउंट किया जाता है। इसीलिए टोटल आप देखेंगे तो 6 बंदरगाह आप देखेंगे तो पश्चिमी तट जो है, ये पश्चिमी तट है, आप देखेंगे पश्चिमी घाट तट और ये पूर्वी घाट तट, तो 6 इधर हो गए और 6 बंदरगाह इधर हो गए, यानी पूर्वी घाट तट पर 6 और पश्चिमी घाट तट पर 6 बंदरगाह हो गए। और अब आप आगे आएंगे तो एक पोर्ट ब्लेयर है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, तो 6, 6, 12 और 1, 13 यानी पोर्ट ब्लेयर। यह 13 बंदरगाह
महत्वपूर्ण और सबसे बड़े बंदरगाह हैं जिनको हमको बढ़िया से स्टडी करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में घुमा फिरा के इन्हीं से वह क्वेश्चन बनाता है। तो आइए अब हम धीरे धीरे इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये बातें आपको मैंने बता दिया, फिर से एक बार देखिए, एकदम याद हो जाना चाहिए। कांडला, मुंबई, नहावा सेवा, मारमू गोवा या गाओ, इसके बाद न्यू मंगलोर, फिर कोचिन, फिर तूतीकोरिन, चेन्नई, फिर एन्योर, फिर विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया या इसे देखिए, हल्दिया से बड़ा तो कोलकाता है, लेकिन मैंने बताया दोनों को एक ही कारण है, यानी कोलकाता का सहायक बंदरगाह हल्दिया, जो कि कहाँ है तो आप देखेंगे अपना जो पश्चिम बंगाल है, जहाँ की इस समय सीएम ममता बनर्जी जी हैं, वहाँ ये स्थित है हल्दिया, ठीक है। और फिर एक पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। दोस्तों अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन हम करते हैं, ठीक है। आइए कांडला बंदरगाह की बात करते हैं। तो कांडला बंदरगाह, इसका दूसरा नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है, ये आपको याद रखना है। एक ज्वारी बंदरगाह है। दोस्तों आप सुने होंगे, ज्वारी बंदरगाह का मतलब होता है जब समुद्र में ज्वार भाटा आती है तो आप देखेंगे पानी क्या होता है, एक बार बहुत तेजी से तट की तरफ जाएगा और फिर उस तट की तरफ से फिर नीचे उतरता है धीरे धीरे। तो होता क्या है कि इसे, यानी ये जो पानी वाली जहाज है जो कांडला बंदरगाह पे होती हैं, उनके लिए सुविधा क्या हो जाता है, देखिए वैसे तो व्यापार आप जानते हैं डीजल पेट्रोल के थ्रू तमाम जो है सड़क परिवहन के, यानी जो स्थलीय मार्ग है उससे भी हो रहा है, लेकिन बहुत कॉस्टली पड़ता है कंपेयर टू किसके, पानी वाली जहाज से, क्योंकि आपको इससे बहुत आपका खर्चा बच जाता है। इसीलिए जितनी सरकारें हैं वह चाहती हैं कि जो राज्य हो वह अगर समुद्र के कहीं किनारे हो और इसके बाद उनको अगर व्यापार करने की सुविधा मिल जाए तो फिर बल्ले बल्ले है। इसी यही कारण है कि आप देखेंगे जितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित हैं उनका एक अलग ही पहचान है और एक अलग ही उनको आप देखेंगे तो उनके यहाँ विकास है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी बातें हैं, फिलहाल मैं बात कर रहा था किसके, तो ये एक ज्वारी बंदरगाह है, यानी ज्वार भाटा जब आता है तो जब पानी बहुत तेजी से किसकी तरफ जाता है, तट की तरफ जाता है, तो जो जहाजें होती हैं वो आसानी से तट की तरफ चली जाती हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं जिस दिशा में हवा चल रहा है उसी दिशा में अगर आपको साइकिल चलाना हो तो आपको बड़ा मज़ा आता है, लेकिन अगर उसके विपरीत दिशा में चलाना हो तो दिक्कत होती है। तो इन जहाज़ों के लिए इतनी आसान हो जाता है कि जब पानी समुद्र की तरफ जाता है तो आसानी से समुद्र के तट की तरफ पहुँच जाती हैं, और जब पानी उतरता है तो समुद्र तट से वो फिर जहाँ जाना होता है उस दिशा में चली जाती है आसानी से। तो इसीलिए ज्वार भाटा आता है उस समय, तो इसीलिए कह रहा है कि मुख्य रूप से एक कैसा बंदरगाह है, ज्वारी बंदरगाह। कैसा बंदरगाह, ज्वारी बंदरगाह। तो कांडला का दूसरा नाम मैंने बता दिया कि दीनदयाल उपाध्याय नाम है, और इसका क्या खासियत है, यह एक ज्वारी बंदरगाह है दोस्तों। और तीसरा इसकी एक खासियत है कि यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह। स्थित आप देखेंगे तो ये देख रहे हैं आप कच्छ की खाड़ी, इसी में स्थित है ये, ठीक है, कच्छ की खाड़ी में। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अच्छा आगे बात करते हैं, यह आयात के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। वैसे तो आप देखेंगे कि कोई भी बंदरगाह आयात निर्यात दोनों होता है, लेकिन यह बंदरगाह मुख्य रूप से आयात के लिए प्रसिद्ध है, इस बात को भी याद रखना। और होता क्या आयात, तो आप कहेंगे पेट्रोलियम हुआ, उर्वरक हुआ, ये सब का आयात होता है। आयात का मतलब समझ रहे हैं ना, आयात का मतलब किसी दूसरे देश से चीज़ों को मंगाना, और निर्यात का मतलब अपने देश से किसी दूसरे देश की तरफ भेजना, सिंपल सी यही मतलब होता है। तो ये चीज़ें हैं मैंने बता दिया। इस यानी कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो गुजरात में है। इसका दूसरा नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। यही एक ज्वारी बंदरगाह है, ठीक है, और यह आयात के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। ये सारी बातें रही हैं कांडला बंदरगाह की। दोस्तों थोड़ा से नीचे आएंगे तो एक बंदरगाह यहाँ और है, आप देखेंगे वह भी प्राकृतिक बंदरगाह है, ओखा बंदरगाह है। इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इतना तो याद रख ही सकते हैं आप कि ओखा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो ओखा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे गुजरात में है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, मुंबई बंदरगाह की बात करते हैं। दोस्तों मुंबई बंदरगाह इतनी महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे तो यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। और इस बंदरगाह को एक उपाधि दी गई है, क्या, भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है दोस्तों इसको, ठीक है। ये चीज़ याद होनी चाहिए आपको कि वह कौन सा बंदरगाह है जिसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो आप कहेंगे मुंबई बंदरगाह।
और यह बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और सर्वाधिक व्यापार के लिए है जाना जाता है। वैसे तो चेन्नई भी है लेकिन यह सबसे बड़ा और सर्वाधिक व्यापार यहाँ से होता है। ठीक है, अब आइए बात करेंगे और इसके बारे में क्या डिटेल है। तो आप देखेंगे जो मुंबई बंदरगाह है दोस्तों, यह मुंबई बंदरगाह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा है, कृत्रिम नहीं, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक बंदरगाह है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसकी क्या खासियत है, आप देखेंगे यहाँ पे इतनी ट्रैफिक होती थी, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक के कारण इसके ट्रैफिक को कम करने के लिए एक दूसरा बंदरगाह उसी के पास में बनाया जाता है, कृत्रिम बंदरगाह बनाया जाता है, जिसका नाम नहावा सेवा बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह? नहावा सेवा बंदरगाह। ये नहावा सेवा बंदरगाह दोस्तों, इसकी क्या खासियत है, यह आप देखेंगे तो आधुनिक तौर से बना हुआ है, काफ़ी कंप्यूटराइज बंदरगाह है ये, और आप देखेंगे तो ऑटोमेटेड बंदरगाह भी इसे कहा जाता है। और यह बंदरगाह दोस्तों सबसे बड़ा भारत का कंटेनर बंदरगाह है। कैसा? कंटेनर शब्द जुड़ा होना चाहिए, कंटेनर बंदरगाह पूछे तो आप कहेंगे कि सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह नहावा सेवा बंदरगाह है। और इसी का दूसरा नाम बता रहे हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नहावा सेवा का दूसरा नाम क्या है तो आप कहेंगे जेएल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और यह मैंने बता दिया सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। ठीक, और यह क्या है तो कृत्रिम बंदरगाह। देखिए यह प्राकृतिक था लेकिन यह कृत्रिम है, मानव मेड बंदरगाह है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, आइए, काफी हाईटेक बंदरगाह है इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है। नहावा सेवा को यह किस लिए बनाया गया था तो आप कहेंगे कि मुंबई बंदरगाह के ट्रैफिक को कम करने के लिए बनाया गया था। ये बातें यहां तक हुई, अब हम बात करते हैं दोस्तों एक एक करके बात करेंगे। अब आ जाइए मारमू गोवा, जिसको हम मारमू गाओ भी कह रहे हैं, मारमू गोवा भी कह रहे हैं। तो इस बंदरगाह, यह एक बंदरगाह, जो बंदरगाह है ये मारमू गोवा, यह बंदरगाह जुआरी, देखिए जुआरी नदी पड़ती है, कहाँ यह है तो आप कहेंगे कि यह मारमू गोवा गोवा में है और यह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। तो ऐसे पूछ सकता है कि गोवा में स्थित मारमू गाओ बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर स्थित है तो आप कहेंगे कि वह नदी है जुआरी नदी। ठीक है, और देखेंगे दोस्तों तो इसका महत्व इसलिए भी हो जाता है कि ईरान को लौह अयस्क जो निर्यात किया जाता है वह इसी बंदरगाह से किया जाता है, यानी ईरान के साथ जो हमारा लौह अयस्क का व्यापार होता है यानी निर्यात किया जाता है, मतलब भारत से भेजा जाता है ईरान में, वह किस बंदरगाह से होता है तो आप कहेंगे मारमू गाओ बंदरगाह से। इस बात को आपको याद रखना, किस नदी के तट पर है तो जुआरी नदी के तट पर स्थित है, यानी मुहाने पर स्थित है। ठीक है, ये बातें अब मारमू गोवा के बारे में आ गई दोस्तों ये। ठीक है, तो दोस्तों अब आ जाइए कर्नाटक में, तो कर्नाटक की बात करते हैं। तो कर्नाटक में क्या है, न्यू मंगलोर, और यह न्यू मंगलोर जो है यह कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। और यहाँ मैंने बताया कि एक जो है क्या है, बाबा बुदन की एक तरह से पहाड़ी है और वो बहुत प्रसिद्ध है, बाबा बुदन की पहाड़ी किसके लिए, लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए बाबा बुदन की पहाड़ी प्रसिद्ध है, यहाँ से लौह अयस्क निकलता है और आराम से न्यू मंगलोर और मारमू गोवा जो कह रहा था मैं बंदरगाह, इन बंदरगाहों से दूसरे देशों के लिए वह लोहा जो है, लौह अयस्क जो है उसको निर्यात किया जाता है। तो बस आपको इतना रखना है कि न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ स्थित है तो आप कहेंगे कर्नाटक में। और कर्नाटक में एक बंदरगाह और स्थित है, छोटा बंदरगाह है कारवाड़ बंदरगाह करके, इसको भी आपको याद रखना है कि जो कारवाड़ बंदरगाह है दोस्तों यह कालिंदी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर तो आप कहेंगे कालिंदी नदी के तट पर, और यह एक नौ सैनिक अड्डा है। तो ये हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि कर्नाटक में वह कौन सा बंदरगाह है जो एक नौ सैनिक अड्डा है, तो आप कहेंगे कारवाड़ है, और किस नदी के तट पर स्थित है तो कालिंदी नदी के तट पर स्थित है, इस बात को आपको याद रखना है। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे मैं अदर बंदरगाह को, अच्छा ये कोची बंदरगाह है दोस्तों, कोची बंदरगाह भी इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको भी आप ध्यान रखें कि यह कहाँ है तो आप कहेंगे कि यह केरल में है। ठीक है, अब बात करते हैं एक बंदरगाह, यहाँ आप देख रहे हैं केरल में ही है, कालीकट बंदरगाह, इसको हर कोई जानता है क्योंकि जब 1498 में वास्को डिगामा, देखिए चला तो 1497 था लेकिन भारत जब पहुंचा तो 1498 में पहुंचा, तो जब वह पहुंचा तो इसी कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था नाव लेकर के, और वहां के राजा थे जमोरियन, जिन्होंने खूब जमकर इसकी स्वागत की और बाद में फिर इन्हीं लोगों ने
धीरे धीरे भारत को आप देखेंगे तो गुलाम बनाना चालू कर दिया। तो हमारे यहाँ के राजा भी ऐसे थे, इसलिए आप समझिए कालीकट, इसका ही नाम अब जो है कोझीकोड के नाम से जाना जाता है। कालीकट बंदरगाह को ही कोझीकोड, अब वहाँ का नाम बदल गया, कोझीकोड हो गया। तो ये समझिए कालीकट बंदरगाह या कोझीकोड किस राज्य में है, तो आप कहेंगे केरल में है, ठीक है। और उसी के नीचे आप कोचीन है, ये भी केरल में है, तो ये दोनों केरल के बंदरगाह हैं, जिसमें कोचीन जो है मुख्यतः बड़ा बंदरगाह, इसलिए इसको ज़्यादा आपको फोकस करने हैं। अब आइए बात करते हैं आगे, तो बात करेंगे कि तीन बंदरगाह जो है जिनकी बात हो रही थी कि तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्योर, ये कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु में दोस्तों ये तीनों बंदरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्यों, क्योंकि चेन्नई जो है, चेन्नई के बारे में अभी मैं बताऊंगा, लेकिन आप इसको याद रखें कि जो बातें बता रहा हूं ध्यान दें कि जो चेन्नई बंदरगाह है वह कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा कृत्रिम, और सबसे आप देखेंगे तो पुराना कृत्रिम बंदरगाह, तो ऐसे पूछेगा कि सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है भारत का, तो कृत्रिम जरूर लगा रहेगा, तब आप कहेंगे चेन्नई, ठीक है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तूतीकोरिन का, तो तूतीकोरिन भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में है, और इसका नाम जो है वह चितंबर नार करके है। इसका क्या दूसरा नाम है, चितंबर नार। तो आप तूतीकोरिन या चितंबर नार अगर पूछता है तो यह जो बंदरगाह है स्थित है कहाँ, तमिलनाडु में, ये इस बात को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा घुमाता उमाता नहीं है, आपसे पूछ देगा तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में। और चेन्नई बंदरगाह की दोस्तों एक और खासियत है कि चेन्नई बंदरगाह आप देखेंगे तो ये भी चूँकि ये कृत्रिम बंदरगाह है और ये बहुत आप देखेंगे तो इससे भी व्यापार बड़ी मात्रा में होता है। आप मुंबई के बाद देखेंगे तो व्यापार यहाँ से भी बड़ी मात्रा में होता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पूछ सकता है कैसा बंदरगाह, तो आप कहेंगे कृत्रिम बंदरगाह, और कृत्रिम में भी सबसे पुराना बंदरगाह, ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह में सबसे पुराना बंदरगाह, इस बात को आपको ध्यान रखना। और एन्योर जो देख रहे हैं आप दोस्तों, एन्योर बंदरगाह चेन्नई का सहायक बंदरगाह है, तो आपसे पूछ सकता है कि चेन्नई का सहायक बंदरगाह कौन सा है जो कि तमिलनाडु में स्थित है, तो आप कहेंगे एन्योर बंदरगाह। तो ये सारी बातें रही हैं इसके बाद। अब बात करते हैं आगे विशाखापत्तनम की, तो मैंने बताया ये सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है दोस्तों। और विशाखापट्टनम की क्या खासियत है, तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ लिख रखा, आपको दिखेगा नहीं लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि उधर जगह थोड़ा अभाव था इसलिए मैंने लिख दिया था, तो आप ध्यान दें कि विशाखापट्टनम की क्या खासियत है, यह बंदरगाह के निकट एक डॉल्फिन नोज, ये जरूर याद होना चाहिए कि डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी होने के कारण यह तेज समुद्री हवाओं से सुरक्षित रखता है। किसको, ये जो डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी है यह किसको सुरक्षित रखती है तेज समुद्री हवाओं से, तो आप कहेंगे कि विशाखापट्टनम बंदरगाह को, और ये सबसे गहरा है और यह प्राकृतिक बंदरगाह है। और आप देखेंगे तो ये भारत का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह भी विशाखापट्टनम बंदरगाह है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं इसको विशाखापट्टनम को। कहाँ किस राज्य में है, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। एक है पारादीप, पारादीप भी महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे तो जो पारादीप बंदरगाह है यह कहाँ स्थित है, तो आपसे पूछेगा उड़ीसा में, तो उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो आप कहेंगे पारादीप, ठीक, कौन सा, पारादीप। अब आइए हल्दिया, तो मैंने बताया था ना कि हल्दिया जो है कोलकाता का सहायक बंदरगाह है, तो इसको आप ऐसे याद रखिए कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, इससे क्या होगा कि जनरली इन दोनों को एक ही काउंट किया जाता है। तो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह कहाँ स्थित है, या कोलकाता पूछेगा या हल्दिया बंदरगाह, तो दोनों कहाँ स्थित है, एक तो कोलकाता ही नाम है तो पश्चिम बंगाल आसानी से आप बोल पाएंगे, हल्दिया बंदरगाह उसे जनरली पूछता है ज़्यादातर, तो हल्दिया बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। और यह बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है, तो ये भी याद रखना है कि कोलकाता में स्थित वह कौन से बंदरगाह हैं, तो हुगली नदी के, तो दोनों बंदरगाह कोलकाता और हल्दिया दोनों बंदरगाह हुगली नदी के तट पर ही स्थित हैं, ठीक है। और हल्दिया बंदरगाह कोलकाता का सहायक बंदरगाह है, इसको मैंने बता दिया है, ठीक है। और पारादीप की बात करते हैं दोस्तों, तो पारादीप मैंने बताया था, यहाँ पारादीप कहाँ, उड़ीसा में था, इसका थोड़ा सा डिटेल है, यह झारखंड और उड़ीसा राज्य का लौह अयस्क जो निकलता है, आप जानते हैं कि जो झारखंड है और उड़ीसा है ये बहुत ही ज़्यादा जो है ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क के रूप में जाने जाते हैं ये, तो ये जो लौह अयस्क
जो निकलता है झारखंड और यहाँ से उड़ीसा से, ये लौह अयस्क निर्यात किया जाता है जापान को। तो यह इसी बंदरगाह यानी पारादीप बंदरगाह से ही निर्यात किया जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि पारादीप इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लौह अयस्क जो झारखंड और उड़ीसा से निकलता है इसको निर्यात किया जाता है। किसके लिए? तो आप कहेंगे जापान के लिए। ठीक है, अब दोस्तों एक पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर को आपको याद रखना है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है। तो सिंपली आपको बता देने हैं कि पोर्ट ब्लेयर जो है ये स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यह भी महत्वपूर्ण है, बस इतना ही, इसके बारे में कोई डिटेल ज़्यादा नहीं पूछता, इसलिए आपको बस इतना ही, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर आप जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी भी है, तो इजीली आपको याद हो जाएगा। अब विशाखापट्टनम के बारे में मैंने बता दिया कि डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी है जो कि तेज समुद्री हवाओं से उसकी सुरक्षा करती है। किसकी? विशाखापट्टनम बंदरगाह की। और यह सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है, इस बात को आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, और सारी बातें मैंने इस लगभग सारी बातें आपको मैंने बता दी, लेकिन आपको जो मुख्य रूप से याद रखने हैं, देखिए ये 13 बंदरगाह हैं और आप कोझिकोड या कालीकट इसलिए बता दिया, इतिहास के दृष्टिकोण से ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक, और यह एक जो कारवाड़ है जो कर्नाटक में स्थित है, यह कालिंदी नदी के तट पर स्थित है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है और नौसैनिक अड्डा भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारी बातें। अच्छा दोस्तों, विशाखापट्टनम में एक पॉइंट और है, इसको भी आप याद रखें। से पूछ सकता है कि वह कौन सा बंदरगाह है जो भारतीय नौसेना के पूर्वी कमांड का केंद्र है, तो आप कहेंगे कि वह विशाखापट्टनम है। तो विशाखापट्टनम में ये डिटेलें आपको याद रखनी है क्योंकि विशाखापट्टनम महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ऐसा करते हैं कि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद आपका।